खापरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत चंकापुर में आज सुबह 10:30 बजे एक अविवाहित युवक की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। बताया जा रहा है कि मृतक की तबीयत 3 मार्च को बिगड़ गई थी। उसे उपचार के लिए खापरखेड़ा के एक निजी डॉक्टर को बताया गया या फिर उसे आराम नहीं होने पर फिर 8 मार्च को उसी निजी डॉक्टर के पास उपचार किया गया। इस पश्चात उसी दिन निजी डॉक्टर ने RT-PCR एवं अन्य जांच करवाने को बताया। नजदीकी एक निजी लैब में जांच करवाई गई। दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर निजी डॉक्टर ने होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी और उपचार जारी रखने को कहा गया, लेकिन उपचार के दौरान गवर्नमेंट के गाइडलाइन अनुसार मृतक का ऑक्सीजन लेवल व टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी था। इतना ही नहीं, निजी डॉक्टर ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पॉजिटिव मरीज की जानकारी देना अनिवार्य था, साथ ही उसके संपर्क में आने वाले एवं परिवार की भी कोरोना जांच करवाना आवश्यक था, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने से घटना को अंजाम मिला। निजी डॉक्टर की लापरवाही से मौत का कारण आरोप करते हुए पिता ने खापरखेड़ा पुलिस थाने में शिकायत की। उसी के साथ निजी डॉक्टर ने जानकारी छुपाने की वजह से उस पर मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करने की मांग पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी ने खापरखेड़ा थाना में की। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 5 मई को बिहार में तय थी, लेकिन शादी के पहले ही कोरोना मौत दे गई। ऐसी दर्दनाक घटना से चंकापुर क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। ना ये है कि उसको 3 तारीख को तबीयत खराब हुई और उसने फिर मेरे को बोला मेरी तबीयत खराब है, मेरे को दवा खाना चलना है, तो उसको मैं दवा खाना ले गया मैं और उसके बाद में चिड़वदे साहब के पास ले गया मैं। उनने 2 दिन की दवा लिखे और बोले कि आपको आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये RT-PCR कर लेने का। तो RT-PCR के लिए बोले, फिर उसके पास RT-PCR हमने ये लैब बाजू में है, क्या नाम है उनका, सेंट्रल डायग्नोसिस, उसमें कराए। उनमें पहले उनने रिपोर्ट दी है, उसको टाइफाइड है। फिर उसके बाद में उनने बोले दूसरी रिपोर्ट 1 दिन बाद मिलेगा, तो उनने उसको पॉजिटिव बताया। तो पहली बात, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं कि अगर मैं किसी की रिपोर्ट अगर ले जाऊँगा तो उसको बताना चाहिए डॉक्टर को कि इसको ज़्यादा तकलीफ है, आप इसको एडमिट कर दो। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि इनको यहीं से चलने दो, कुछ नहीं होता, आराम करो, होम क्वारंटाइन कर लो। उसके बाद में यानी जैसे चलते रहा, आज सवेरे की बात है कि सवेरे यानी उसको तकलीफ थोड़ी बढ़ी सांस लेने की। ये बोला कि मेरे को यानी तकलीफ हो रही है कि थोड़ा सा कि हॉस्पिटल चलो, तो मैं एम्बुलेंस के लिए सुबह से पहले उधर गया, यानी पहले डॉक्टर साहब के घर गया मैं। तो घर नहीं, वो मेरे को मिलन चौक पे ही मिले, बोले मैं मीटिंग से आता हूँ 1 घंटे बाद, तो मैं आता हूँ। फिर बाद में मैंने परेशान हो गया, फिर दहेगा बोले आप चले एडमिट कर दो, एम्बुलेंस कोई नहीं। तो मैंने बोला इससे अच्छा एक काम करो, फिर मैंने आया शशि भैया के यहाँ, तो शशि भैया के यहाँ फिर उनने सिटी हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट कराया, बोले कि वहाँ से एम्बुलेंस भेजाते हैं और डॉक्टर साहब से बात हो गई। बोले तो सडनली यानी उनने यानी जितना बात करा था किए उनने, उसके बाद में एम्बुलेंस आई है। तो लड़का जैसे एम्बुलेंस लगी वैसे खत्म। जहाँ तक हमने पता किया कि रेगुलर प्रैक्टिशनर जाँच कर सकता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जाँच नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप होम क्वारंटाइन करते हो किसी को तो आपके पास सर उसके नियम गाइडेंस है गवर्नमेंट का दिया हुआ कि उसका 2 टाइम उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए, उसका उसके उसकी जो बाकी जो अन्य चीज़ है उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए। उसका जांच करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्थानीय आशा वर्कर और ये बाकी के जो हेल्थ के जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने जब होम क्वारंटाइन किया तो उसकी बार रोज का जो जाँच होना चाहिए उसका उन्होंने किया क्या, उसके नियमावली को उन्होंने फॉलो किया क्या। मैं ये नहीं बोलता उन्होंने क्यों होम क्वारंटाइन किया, होम क्वारंटाइन का जो नियम है उसको इन्होंने फॉलो किया क्या। दूसरी बात, इन्होंने बाकी जो उसकी फैमिली मेंबर्स उसका कोविड जांच इन्होंने कराया क्यों नहीं, प्रशासन को उन्होंने जानकारी दिया क्यों नहीं, इनको गुनाह दाखिल होना चाहिए। BCN न्यूज़ के लिए खापरखेड़ा से दिलीप कछबे की रिपोर्ट।